अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सरफराज करनी फ्रॉम भगवान हब। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ज्वाइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? सलामकुम सलामकुम सरफराज, सलामकुम हिना, सलामकुम, वेलकम बैक डॉक्टर साहब। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आपकी काफ़ी अच्छी रिसर्च आपने रिसेंटली की है इंस के बारे में। कुरान में जो इंस का वर्ड हुआ है यूज़, ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा आप इसको क्लेरिफाई करें। कुरान में काफ़ी एज अ ह्यूमन बींग के लिए जो वर्ड यूज़ हुए हैं, बशर है, इंसान है, इंस है, उन्नास कभी है उसमें तस्करा। मैं आप चाहूँगा कि आपकी जो रिसर्च है, जो तहकीक की है, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसमें क्या फ़र्क है, अल्लाह ताला किस से मुखातिब कर रहा है कुरान। प्लीज़ गो है। बहुत शुक्रिया सरफराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कि मैं आपको ये लफ्ज़ जो आपने कहा ना कि बशर इस्तेमाल हुआ, इंसान कहा, इंसानों की जमा उनास लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद नास लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर इंस लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमारे तर्जुमों में अमूमन इनको तर्जुमा करते वक्त लोगों या इंसानों कर दिया। मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ और आपसे भी सवाल करता हूँ कि अल्लाह को, अल्लाह सुबहान ताला को क्या ज़रूरत थी कि ये बार बार अल्फाज बदल कर एक आयत में एक नया अल्फाज डाल देते हैं और हमारे लिए एक एक नई सोच पैदा कर देते हैं कि ये लफ्ज़ तो बदल दिया, मानी वही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जब गौर किया सरफराज, तो मैंने देखा कि इन अल्फाजों के अंदर गो कि ये तमाम इंसानों के लिए इस्तेमाल हुए हैं, अच्छा, लेकिन इनमें कुछ मानवी फर्क ज़रूर मौजूद है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने मौजू पर जाएं और उन अल्फाजों की ज़रा तहकीक करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल कुरान में एक लफ्ज़ की देता हूं जो कि बार बार इस्तेमाल होता है और हम उसको पढ़ते रहते हैं और हम एक सरसरी अंदाज में पढ़ते हुए उस पर से गुजर जाते हैं लेकिन गौर नहीं करते। वो दो लफ्ज़ क्या हैं? वो दो लफ्ज़ हैं, एक तो लफ्ज़ है सीन, सा, एक है लफ्ज़ है सौफा। अब हमारे जो अरबी के जो कवायद हैं उनके तहत लफ्ज सीन किसी भी लफ्ज के आगे लग जाए या सौफा लग जाए तो ये दोनों लफ्ज जो हैं ये उसको मुस्तकबिल में, फ्यूचर में तब्दील कर देते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते वक्त शैल या विल लगा लेते हैं। right. अच्छा, मैं अपने आप से पूछता हूं कि कहीं अल्लाह ताला सीन लगाते हैं, कहीं अल्लाह ताला सौफा लगाते हैं, right. ऐसा क्यों करते हैं? क्या वजह है कि कहीं सीन लग रहा है, कहीं सोफा लग रहा है और तर्जुमा हमारा वही शैल और विल में जा रहा है? तो हर जगह सीन क्यों नहीं लगा दिया, हर जगह सोफा क्यों नहीं लगा दिया? Exactly. तो मैं जब बहुत तहकीक देखा मैंने आयतों को खंगाल के कि जहां सीन लग रहा है, जहां सोफा लग रहा है, तो मुझे उसमें एक मामूली सा फर्क नजर आया और मैं वो फर्क आप लोगों के सामने रखूंगा, उसके बाद फिर हम ये इन बशर को समझने में आपको आसानी होगी। अब एक लफ्ज सीन, ये सूरह बकरा की है आयत नंबर 137, 137। कुल आमनु बिमिस्ल मा अंतुम बिही फक़दहतदू व इन तवल्लु फइन्नमा हुवा फी शिक़ाक फसयक्फीकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अब यहां लफ्ज आ गया सीन। अगर आप इस लफ्ज को देखें तो इसमें चार हरूफ हैं, फा है, सीन है, यकफी है और कुम है। इन चारों से ये जोड़ के फसा यकफी कुहुम, फसा यकफी कहुम, ये चार अल्फाज जुड़े हुए हैं। फा क्या चीज है वो एक अलग बात है, सीन को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। सीन एक हुर्फ है और ये हुर्फ जो है ये हमेशा मुदारे पे लगता है। मुदारे आप जो सुनने वाले हैं वो इस तरह समझें कि अरबी में एक होता है पास्ट और एक होता है मुदारे। मुदारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों शामिल होता है। तो जब ये मुदारे पे लग जाता है तो उसका तर्जुमा फ्यूचर में कर दिया जाता है। अच्छा, फसा यक फी कहुम, अब इसका तर्जुमा लोग ये करते हैं कि अल्लाह हर तरह से तुम्हारे लिए काफी है। अब ये फ्यूचर में चले जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे लिए हर तरह से काफी होंगे, राइट? राइट। अच्छा,
दूसरी एक आयत है सूरह मुल्क, सूरह नंबर 67 और आयत नंबर है 29। कुल हुवर रहमानो आमन्ना बिही व इलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन। अब इसका मैं आपको तर्जुमा बताऊं 67 की 29। अल्लाह फरमाते हैं, कह दीजिए कि हम तो सिर्फ उसी रहमान पर ईमान लाए हैं और उसी की कार फरमाई पर हम मुकम्मल एतमाद करते हैं, तो अनकरीब तुम जान लोगे। अब अनकरीब जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं ये फ्यूचर के लिए बोल रहा हूं जी, फ्यूचर यू विल नो, तुम जान लोगे कि कौन खुली गुमराहियों में पड़ा हुआ था। ये लफ्ज सीन लगते के साथ ही फ्यूचर में चला जाएगा। इन फ्यूचर यू विल नो, इन द टाइम्स टू कम यू विल नो, इस तरह लगेगा। अब आते हैं लफ्ज सौफा पे। सूरह दोहा के अंदर यह लफ्ज आता है वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा। अमूमन ये तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह बहुत जल्द आपको कुछ अता करेंगे जिससे आप मुतमईन हो जाएंगे। ठीक, सौफा का भी मतलब ये हुआ कि ये फ्यूचर में कोई चीज अता की जा रही है। तो ये इसको अल्लाह ताला ने यूं क्यों नहीं कह दिया सयूती का रब्बू का फतरदा, सा लगा देते बात पूरी हो जाती। लेकिन फरमाया नहीं, वला सौफा, ये लामे ताकीद के बाद सौफा लगा के और आयत को एक्सप्लोर किया गया। अच्छा, आप देखेंगे कि सौफा भी मुदारे पे लग रहा है और मुदारे को फ्यूचर टेंस में ले जा रहा है। लेकिन सौफा क्या चीज है? अब सा और सौफा में फर्क क्या आएगा? सौफा अगर मैं इंग्लिश में कहूं, इट इज एन ऑक्सिलरी एक्सप्रेशन, इट इज एन ऑक्सिलरी एक्सप्रेशन, इन दिस देयर इज रियलाइजेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को महसूस करने के नुक्ताए नजर का इजहार के लिए सौफा बोला जाता है। अब इसमें सौफा जब लगेगा तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, वहां ऊपर जो था वो दोनों आमने जो जुमले पड़े थे फसता लमूना फसा यक्फी को हम, ये दोनों स्टेटमेंट थे, इसमें हमें रियलाइज कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सौफा जब लगेगा तो आप उसको रियलाइज करेंगे, आप उसको महसूस करेंगे। तो ये जो फरमाया जा रहा है वल्ल सौफा युती का रब्बुका फतरदा, आप महसूस करेंगे कि इन फ्यूचर आपको जो दिया जाएगा उससे आप राजी हो जाएंगे, आप मुतमईन हो जाएंगे। सही, इतना खूबसूरत वर्ड लग के। अच्छा, अब दूसरी आयत देखिए, सूरह तकासुर में फरमाया गया कल्ला सौफा तालमून। अब आप देखिए, ऊपर फसा तालमून था जी, और यहां कल्ला सौफा तालमून, अल्लाह ताला ने कल्ला सतालमून क्यों नहीं बोल दिया? सतालमून से बात पूरी हो जाती नहीं? जब स्टेटमेंट होता है, जैसे मैंने कहा कि ऊपर फसा तालमून मन हुआ फी जलालिन मुबीन, ये स्टेटमेंट था, अनकरीब तुम जान लोगे इन फ्यूचर। अब यहां पर सौफा लगाने के बाद वो रियलाइजेशन की एक एक फीलिंग आ रही है, कल्ला सौफा तालमून, ने यू विल डेफिनेटली नो, तुम्हें इसका बिल्कुल बिल्कुल इल्म हो जाएगा। अब ये मुझ तक एक बात इस तरह पहुंच रही है कि तुम इसे महसूस करोगे कि तुम्हें यह बात मालूम हो जाएगी। तो देखने से हमें एक ही चीज लगती है, लेकिन कंक्लूजन इसका यह है कि जब भी अल्लाह कोई स्टेटमेंट देते हैं तो स्टेटमेंट के आगे सीन लगाया जाता है, और जब हमें किसी चीज को महसूस करने को या उसका एहसास दिलाते हैं तो फिर उसके बाद वो लफ्ज सौफा से खुल के आता है। ठीक है, अच्छा, इस फर्क को समझने के बाद अब हम चलते हैं हमारे आज के मौजू के ऊपर। जी जी, मैंने कहा कि ये लफ्ज हैं बशर, इंसान, इंसानों की जमा लफ्ज है उनास, फिर है लफ्ज नास, और फिर है लफ्ज इंस। जी जी, ये किस तरीके से खुल के आ रहे हैं इनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लफ्ज बशर।
बशर के लिए अगर मैं सबसे मौजू लफ्ज बोलूं तो जब भी लफ्ज बशर आएगा उसे हम ह्यूमन बीइंग्स कहेंगे। ठीक। अब हम ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? अगर आप थोड़ी सी मेरे साथ बायोलॉजी के अंदर चलेंगे तो हम मैमल्स को क्लासिफाई करते हैं। मैमल्स को जानवर होते हैं, मैमल्स वो जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। हम एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स हैं। अब उसके बाद उनकी सब क्लासिफिकेशन होती जाती है। एक इक्वाइन है, एक बोवाइन है, एक 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 वो फीलाइन है, तो वो मजीद क्लासिफिकेशन होती जाती है कि बोवाइन जो है वो कैटल्स हैं, इक्वाइन जो वो घोड़ों की नस्ल है, फीलाइन जो है वो बिल्लियों की नस्ल है। ये खुलते 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 जब हम इंसानों तक पहुंचते हैं तो हम उनको कहते हैं होमो सेपियंस। ये हमारी स्पीशीज है, ये हमारी स्पीशीज है। तो होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस जो कि मैमल्स हैं। अब होमो सेपियंस की खूबी यह है कि ये शऊर रखते हैं, ये दो टांग से चलते हैं। कोई भी दुनिया का मैमल दो टांगों से नहीं चलता, सारे मैमल्स चार टांगों से चलते हैं। लेकिन ह्यूमंस एक ऐसे मैमल्स हैं जो शऊर रखते हैं, दो टांगों से चलते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो जब ये लफ्ज बशर अल्लाह इस्तेमाल करेंगे उससे मुराद ह्यूमन बीइंग्स होंगे। अच्छा, अब हम इसकी एक एक दो दो आयतें करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सूरह मोमिनून, सूरह मोमिनून इसकी आयत पर है 23 की 33। बड़ी लंबी आयत है लेकिन उसका वो टुकड़ा मैं जो है आपके सामने रखता हूं। मा हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलूना मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून। वो कहते हैं कि ये कोई नहीं बल्कि एक इंसान है, एक मैमल है, एक ह्यूमन बीइंग है। ये तो उसी तरह खाता है जैसे तुम खाते हो, ये तो उसी तरह पीता है जैसे तुम पीते हो। बात कितनी खुल के आ रही है कि जो जो एतराज था जब नबी ने इसमें जिस नबी का जिक्र हुआ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसने अपना पैगाम लोगों के सामने रखा तो उस कौम के सरदारों ने कहा अरे इसकी बात क्यों मानते हो, ये तो हमारी तरह का ह्यूमन बीइंग है। तो लफ्ज बशर से बात को बताया। अच्छा, दूसरा लफ्ज है सूरह कहफ में 18 की 110 में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। ये नबी के मुंह से ये अल्फाज कहलवाए जा रहे हैं कि इनको कह दो कि मैं तो तुम्हारी तरह एक ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे कोई और क्वालिटी थोड़ी है, तुम क्या समझ रहे हो। असल बात ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि जो पैगाम लाएगा वो इंसानों में से नहीं होगा, कोई डिफरेंट होगा, कोई और मखलूक होना चाहिए। तो उनसे कहा जा रहा है कि उनसे कहो कि देखो मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, जिस तरह तुम लोग हो उसी तरह मैं हूं, मेरी भी वही तमाम फिजिकल ख्वाहिशात हैं कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मुझे नींद आती है, मैं सोता हूं, मेरी भी उसी तरह घर बार है जिस तरह तुम्हारे घर बार है। सही। फर्क सिर्फ क्या है, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। फर्क सिर्फ तुम में और मुझ में यह है कि मुझे एक वही की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि तुम्हारा जो कानून देने वाला है इलाह, वो सिर्फ एक ही इलाह होना चाहिए। सही। बाकी मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। अच्छा, एक और आयत आती है सूरह अंबिया, यहां फरमाया हल हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम अफतातूना सेहरम सेहरा व अंतुम तुबसरून। फिर वही बात, जब उनके सामने पैगाम रखा गया तो उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया ये देखिए। हल हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, अरे क्या ये तुम्हारी तरह का इंसान नहीं है। अफतातून सेहरा व अंतुम तुबसरून, तुम देखते बालते हुए इसके इसके धोखे में आ जाओगे, ये तुम्हारी तरह से इंसान है। फिर वही बात कि ये जो इंसान ह्यूमन बीइंग जो कहा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह का एक इंसान है, इसके धोखे में आ जाओगे। यहां लफ्ज बशर लाया गया। बशर की तीन आयतें कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं लफ्ज इंसान पर। जी। जब भी लफ्ज इंसान
जो कि कुरान में 65 बार 65 टाइम्स आया है, और 6 बार इसकी जमा लफ्ज उनास, इंसान की जमा है उनास, जैसे उर्दू में हम कह देते हैं लोग और लोगों, तो इंसान की जमा है उनास। अच्छा, अब इसको अगर हम गौर से देखें तो ये आयतें हमें बताएंगी कि ये किस तरीके के इंसान के बारे में कहा जा रहा है। सबसे पहले ये देखें कि इंसान जब लफ्ज कहा जाएगा तो ये इसकी इसकी जो अराबी तरतीब होगी उसके मानी होंगे कि ये सोशलेबल है यानी सामाजिक तौर पे रहता है, ये कंपेनियनेबल है यानी ये अपने साथ साथी रखता है, ये फ्रेंडली है यानी दोस्ती कर सकता है, ये अमिकेबल है यानी दोस्ताना माहौल में रहता है। लोगों ने ये कह दिया कि इंस जो है ना वो इंसान से बना है। मैं कहता हूं किसी इंसान को इंस कहना उसकी तौहीन है। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि किसी इंसान को आप इंस के नाम से पुकारें तो ये उसकी तौहीन है। तो ऐसा क्यों है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। अब लव्स, ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है। बिल्कुल, आप किसी इंसान कहेंगे अगर वो उस लव्स के मानी समझता है तो वो ऑफेंड हो जाएगा। हाँ, मतलब कैसे कह दिया, जैसे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी पे रहते हैं कि भाई ये तो हमसे ही बात हो रही है सारा, वो हर एक कर देते। अब लव्स इंसान जो है ना वो फोलान के वजन पर है। फोलान के वजन पर आप देखेंगे कितने लफ्ज हैं, फुरहान फुरकान है, बुरहान है, कुरान है, तो ये इंसान उस वजन पर जाके बनता है। और जब भी लफ्ज इंसान आएगा तो उसकी दो खसूसियात को सामने रखना होगा। नंबर एक, जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान की पहली खसूसियत ये है कि ये फ्रेंडली है, ये एमिकेबल है, ये दोस्ताना माहौल में जिंदगी अपनी गुजार। दूसरी खसूसियत इंसान की जब कभी भी ये बताई जाएगी कुरान के अंदर तो ये बताई जाएगी कि तुम मॉर्टल हो। हाँ, ये फर्क बताएंगे कि इमॉर्टल नहीं हो, नहीं हो, तुम मॉर्टल हो यानी तुम्हें तुम फानी हो और तुम्हें एक ना एक दिन मौत आएगी, तुम्हारी जिंदगी का दौरानिया खत्म हो जाएगा। अल्लाह की किताब ने, अल्लाह ताला ने इंसान लफ्ज को दो तरीके से इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो इंसानों को जब लफ्ज इस्तेमाल किया है, लफ्ज इंसान इस्तेमाल किया है तो उसमें एक नेगेटिव कॉनोटेशन यानी मनफी अंदाज में उसको ला के रखा है, और उसकी बेशुमार आयतें हैं जिनमें से मैं आपको चंद आपके सामने रखूंगा। सूरह निसा की आयत नंबर है 28, वखुलिकल इंसानो ज़ईफा, इंसान को हमने कमजोर बनाया। अच्छा, सूरह इब्राहिम की है आयत नंबर 34, इन्नल इंसाना लज़लूमुन कुफार, इंसान ज्यादती करके किसी चीज को झुटलाने वाला है। आगे देखें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 11 में, सूरह इसरा जो है 17 है, वकानल इंसाना अजूला, इंसान उजलत पसंद है। अच्छा, फिर सूरह इसरा की आयत नंबर 67 के अंदर, वकानल इंसाना कफूरा, इंसान झुटलाने वालों में से है। सूरह इसरा की आयत नंबर 100, जी हाँ, वकानल इंसाना कतूरा, इंसान तो बड़ा खुदगर्ज है। फिर उसके बाद सूरह कहफ के अंदर आयत नंबर 54, वकानल इंसानो अक्सरा शय इन जदला, इंसान तो बहुत ही चीजों में या बेशुमार चीजों में या अक्सर चीजों में झगड़े करता है। अच्छा, और सूरह असर जो है 103 की 2 में फरमाया, इन्नल इंसाना लफी खुसर, इंसान खसारे में। अब आप देखिए जब भी लफ्ज इंसान आ रहा है, इंसान की कोई नेगेटिव सिफ्त उसके सामने रखी जा रही है। अच्छा, अब दूसरी जो जो आपने जो आयत पॉइंट आउट की है कि जब कभी भी अल्लाह ताला इंसान को उसकी हैसियत बता रहे हैं,
कि तुम देखो मॉर्टल हो और तुम एक बहुत हकीर सी चीज हो, बहुत ही मामूली सी चीज हो, गो के कायनात में तुम बहुत अहम हो, लेकिन ये सिर्फ एक एक नफसियाती तौर पर हमें ये बताया जा रहा है कि तुम इतनी छोटी सी चीज हो। तो ये इसके लिए जो ज्यादा बेहतर आयत है वो सूरह सजदा की नंबर 7 है सरफराज, अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलकहू वबदा खलकल इंसान मिन तीन। यहां बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने बहुत उम्दा उम्दा चीजें तख्लीक की, बिल्कुल शुरुआत की, और इंसानों को उसने मट्टी से बनाया। अब आप देखिए मट्टी की क्या हैसियत होती है हमारे हमारे जिंदगी के अंदर। हम कहते हैं ना कि भाई मट्टी लग गई है, हटा इसको, झाड़ दो इसको, झाड़ दो। तो ये तीन का लफ्ज इस तरह नहीं है कि सिर्फ मट्टी से बनाया, ये एलगोरिकल लफ्ज है कि इतनी हकीर चीज है इंसान। अच्छा, अब ये जो आपने कहा कि ये आयत 76 की 2, इससे पहले मैं एक और आयत आपको दिखा देता हूं। अवलम यरल इंसाना अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइजा हुवा खसीमुम मुबीन। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 70 है। क्या नहीं देखा इंसान को हमने जो बनाया नुतफे से, एक स्मॉल सेल से, नुतफा इज अ स्मॉल सेल, लेकिन वो इतनी छोटी सी चीज से इब्तिदा होने के बाद वो इतना बड़ा झगड़ालू बन गया। यहां पर भी कुछ इसी तरीके की बात है 76 को, कि हमने इंसानों को एक खुलिये से तख्लीक किया और फिर उसको मरहला वार बनाया, स्टेजेस में बनाया, फिर फजअलनाहु समीअन बसीरा कि उसे हमने देखने और सुनने वाला बना दिया। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप बशर की बात कर रहे थे कि बशर वी गोना टेक एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स इज अंडरस्टूड कि उसको बशर एज अ ह्यूमन बीइंग लेंगे। माय क्वेश्चन टू यू, ये जो आयत आप बता, जैसे 76 की 2 है या दूसरी जो आयत जहाँ ये वर्ड यूज हुआ है वहां पर बशर का वर्ड यूज नहीं हुआ। नहीं, तो आई मीन इवन दो अल्लाह ताला ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो जैसे कहते हैं ना, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी इज राइटिंग अ बुक, ही इज गोइंग टू रिफर ह्यूमन बीइंग, द प्रोसेस और द किस तरह ह्यूमन बीइंग बना है या क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, तो वही वर्ड यूज करेगा ना एज अ ह्यूमन बीइंग। बट इन योर रिसर्च आई थिंक यू विल, आप आगे जाके बताएंगे क्या उसमें फर्क क्या है, क्यों ऐसा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान बशर तो है। जी जी, जब भी लफ्ज इंसान इस्तेमाल किया उसके अंदर बशर छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब उसकी जो जहनी कैफियत है, जो उसकी मिजाज है कि झगड़ालू है, ये जल्दबाज है, ये जो है गलतियां करता है, ये बातों को इनकार करता है, उस ही बशर की जब जहनी कैफियत से गुफ्तगू करते हैं अल्लाह, तो या उसकी जहनी कैफियत को हाईलाइट करते हैं, तो बशर लफ्ज हटा के इंसान ले आते हैं। ठीक है। अच्छा, या उसको उसकी अपनी असली हैसियत जब बताते हैं कि तुम बहुत मामूली सी चीज हो। सही है। उसी बशर को ह्यूमन बीइंग था, लफ्ज इंसान से लाके लिखकर। तो बशर में, इंसान में लफ्ज बशर जरूर है, इंसान हर इंसान बशर तो है, ह्यूमन बीइंग तो है, तो ब्रॉड एस्पेक्ट में बशर ही है, फिर उसको कैटेगराइज किया है डिफरेंट आई गेस क्वालिटी। अच्छा, अब हमने इंडिविजुअल लफ्ज इंसान, एक इंडिविजुअल की बात हो रही थी, अब आ जाइए प्लूरल में उनास। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 और इसकी है आयत नंबर 82। यहां देखिए लफ्ज इन्नहुम उनासुन यततहरून, या लफ्ज उनास आ गया, इंसान की जमा उनास। अब ये आयत क्या है, वकाना जवाबा कौम ही इल्ला अन कालू अखरिजूहुम मिन करियतकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। तो वो जवाब में कहने लगे कि इनको, अब ये प्लूरल में आ गया, इनको
अपने शहर से निकाल दो, अपने इलाके से निकाल दो। क्यों निकाल दो? कि ये लोग, ये बहुत सारे हैं, अब ये बहुत सारे इंसान हैं, ये बहुत सारे लोग अपने आप को बड़े पाकबाज समझते हैं। सही। अब एक इंसान नहीं है, अब बहुत सारे इंसान हैं जो पैगाम लेके किसी कौम के पास पहुंचे, ये नबी और उसकी जमात महसूस होती है। तो उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों को ये अपने इलाके से निकाल दो, ये अपने आप को बड़े पाकीजा समझते हैं और हमें बुरा समझते हैं। अब लफ्ज इंसान की जमा उनास में आ गया। एक और जगह पर आएगा, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71, 71 फिर ये लफ्ज उनास की शक्ल में आएगा। यौमा नदउ कुल्लो उनासिन बे इमामहिम फमन उतिया किताबहु बे यमीनही। जब जिस दिन हम लोगों को उनके रहनुमाओं के साथ बुलाएंगे, अब उनासिन भी जमा है और इमामहिम भी जमा है, लोग होंगे और कुछ उनके इमाम होंगे जमा की सूरत में। तो ये इंसान जब जमा की सूरत में जिक्र किया जाता है तो लफ्ज उनास आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा बशर और इंसान। एक और एक दो आयतें और देखें कि जहां इंसान और शैतान इन दोनों का मुवाजना किया गया है। लफ्ज शैतान का ऑपोजिट अल्लाह इंसान लेकर आते हैं। अच्छा, हाँ, ये आपको दो आयतों में आपको दिखाता हूं। एक है आयत नंबर 25 सूरह फुरकान की 29। लकद अदलनी अनि जिक्र बादा इजा जाअनी वकाना शैताना लिल इंसाना खजूला। अब शैतान का ऑपोजिट इंसान है। सही। शैतान का ऑपोजिट मोमिन नहीं है जी, शैतान का ऑपोजिट इंसान है। तो हमने साथ साथ एड्रेस किया है, साथ साथ एड्रेस किया। जहां पे भी लफ्ज शैतान आएगा और उसके बदले मुकाबिल जो चीज पेश की जाएगी जी, वो होगा इंसान। नो, बट इज इट अ गुड वे और अ बैड वे? आई मीन दिस लाइक, और इज इट, इस पर एक बड़ी और बहस छिड़ सकती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो शैतान है ना, ये भी खुद इंसान है। हाँ, मतलब यही मैं कि मुझे मेरे उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा था। खैर, आप बताएंगे आगे चल। हाँ, तो ये शैतान जो है ये भी इंसानों में से एक इंसान है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि इंसान की क्या क्वालिटीज हैं? दो। जी जी। नंबर एक, वो मर जाता है। नंबर दो, वो बड़ा फ्रेंडली है। अब इसका ऑपोजिट ले लीजिए। अच्छा, तो वो नहीं मरता? ये मैं इस्तेआरी तौर पे कह रहा हूँ। अच्छा, वो समझता है कि वो नहीं मरेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये कि वो फ्रेंडली नहीं है, एमिकेबल नहीं है। शैतान फ्रेंडली नहीं है? नहीं है। इंसान में ये दोनों क्वालिटीज हैं। तो एक तरह से कैसे उसका गुरूर, उसके अंदर गुरूर है उसमें। अब इसको मैं अगर कहूं तो शैतान हमारे अंदर मौजूद है जी, जो मुझे हर वक्त ये दिलासे देता रहता है कि डॉक्टर साहब आप मरोगे नहीं, पैसे कमाओ, खूब लोगों को लूटो। या दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये है शैतान। मैं किसी वक्त में इंसान हूँ और किसी वक्त में शैतान हूँ। नहीं, यही तो है। तो ये मेरा अपना ही अंदर से एक दुश्मन है जो मुझे दिलासे देता रहता है, डॉक्टर साहब आप तो मरने वाले ही नहीं हो। वो जैसे हमने प्रोग्राम किया था पहले, आप कह रहे थे ना, सलात का जो ऑपोजिट है वो लस्ट है। हाँ, लस्ट है। लस्ट है, ये है शैतान जो आपको सलात के सही ट्रैक पे जाने के बजाय आपको लस्ट पे, पैसा कमाओ, मरना नहीं है, 80 साल के भी हो जाओगे और पैसे बनाओ, सबको
दबा के रखो, ये धोखे दो लोगों को, तुमने तो मरना ही नहीं है। और दूसरा ये कि तुम्हें फ्रेंडली होने की जरूरत ही क्या है, वेरी वेरी गुड पॉइंट, आई थिंक viewers will understand that, I think it's very clear. हाँ, ये भी बहुत सिंपल हो गया, ये इंसान का ऑपोजिट, ये जो अल्लाह फरमाने कान शैताना लिल इंसाना खजूला, ये शैतान इंसान को फंसा कर रखता है, ये इसका तर्जुमा भी यही है, ये शैतान इंसान को जकड़ के रखता है। ये ना डॉक्टर साहब, एक चीज, खैर हम तो इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं इस पे, लेकिन जो मेजोरिटी जो है वो ये समझती है कोई आउटसाइड फोर्स है जो आती है आपको मजबूर करती है, जैसे फिर हो जाते हैं, फिर आप फिर उससे कहते हैं माफ कर देंगे, तो लेकिन सही चीज है वो आपके अंदर ही है, आपको बस अपने आप पे काबू रखना है, सही ट्रैक पे रहना है। असल में हमने जो समझा हुआ है कि वो दो सींगों वाला है एक और भयानक चेहरा है उसका, वो है शैतान, वरना यहां जो बताया जा रहा है कि ये शैतान इंसान को फंसा के रखता है। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात कही है, अभी इसका आई थिंक ये आयत बड़ी अच्छी है। अच्छा, एक ये और आयत देख लें, बड़ा बड़ा खूबसूरत अल्लाह का जो जो बयान करने का अंदाज है उससे आप इस कदर मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। 17:53 इन शैताना काना लिल इंसाने अदुवम मुबीना। अब शैतान जो है वो इंसान का बहुत खुला दुश्मन है। सरफराज, देखा है इसको आपने? जी जी, जबरदस्त, हाँ बहुत जबरदस्त है जी। आपके नेबर में तो नहीं रहता है, जरा देखिए। हमारे तो हर जगह आसपास, हर हाल आपके पास भी रहता है, पूरा भरा हुआ है। अल्लाह फरमा रहे बड़ा खुला दुश्मन है और हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि हम इधर उधर देखते हैं, हम ऐसे अपने अंदर नहीं देखते ना। हाँ, अगर यही चीज लोगों को पता चल जाए कि ये चीज आप ही के अंदर मौजूद है, तो आप मेरे ख्याल में सही होने के लिए, अपने आप को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते अख्तियार करेंगे। लेकिन लोग समझते हैं ये कोई आउटसाइड फोर्स है, हमें मजबूर करती है, ऐसा नहीं है, ये आप ही के अंदर है जो आपको चीज मजबूर करती है, गलत चीजों के खिलाफ। मैं फिर उसी पर आऊंगा, दो खूबियां है ना इंसान की, फानी है और बहुत सोशलेबल है, बहुत कम्युनिकेबल है, बहुत एमिकेबल है। अब शैतान देखिए, ये आपका खुला दुश्मन है, ये क्या करेगा, किसी से दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है, सबसे लड़ाई करो, सही, और मरना तो तुमने है ही नहीं। ये वो मुझे जो है ना थपकियां देता रहता है, दिलासे देता रहता है, ये मेरा खुला दुश्मन। चले यहां से हम इंसान को खत्म करते चलें, तो फिर नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने जब भी इंसान का ऑपोजिट बताया है तो शैतान बताया है, या शैतान का ऑपोजिट इंसान बताया है, शैतान का ऑपोजिट मोमिन नहीं बताया, सही, शैतान का ऑपोजिट मोमिन नहीं बताया, ये नहीं कहा कि वकानल कान शैताना लिल मोमिनीना, नहीं ऐसा नहीं कहा, लिल इंसाना। अच्छा, तो अब हो गया हमारा ये इंसान का हिस्सा खत्म, अब हम आते हैं लफ्ज नास। नास भी बशर हैं, नास इंसान हैं, लेकिन अब नास में एक खूबी और शामिल हो गई है। फिर मैं दोबारा कहता हूं, नास बशर हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, नास इंसान हैं, बड़े सोशलेबल हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, मॉर्टल हैं, लेकिन अब नास जब लफ्ज आएगा अब उनमें एक खूबी और ऐड हो गई है। अब वो खूबी क्या ऐड हो गई है ये देखेंगे। इस कदर वाजे तौर पर पहली बार जब कुरान में ये लफ्ज आता है तो वो है सूरह बकरा की आयत नंबर 8, वमिनन्नासे
मैं यकूल आमन्ना बिल्लाहे व बिल यौमिल आखिरे व मा हुम बिमुमिनीन। नास में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह को पर और आखिरत को मानते हैं या उस पर भरोसा करते हैं, अब ये क्या चीज बताई गई, नास की क्या खूबी बताई गई, ये कुछ चीजों पर भरोसा करते हैं, इनके अकायद होते हैं, बिलीफ सिस्टम उनका जो है, बिलीफ सिस्टम जहां आता जाएगा, बशर और इंसान में ये दोनों हैं, दोनों चीजें मौजूद हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये इंसान है, लेकिन अब ये किसी चीज पर यकीन रख रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। जब ये भरोसा करने वाले बनते हैं, ये लफ्ज नास में तब्दील हो जाता है। ये सब कैटेगरी है इंसान की कैसे, हाँ ये नहीं कहा वमिनल इंसान मैं यकूलो आमन्ना वमिनल बशर मैं यकूलो आमन्ना, नहीं वमिनल नास, तो अब ये सोचना कि नास बशर हैं इंसान हैं, अब कुछ अपने अंदर अकायद रखते हैं, कोई उनका बिलीफ सिस्टम है। अब जब भी ये लफ्ज नास आएगा आप कुरान में देखेंगे कि या तो वो लोग होंगे जो किसी और मजहब के ऊपर उनका अकीदा होगा, मिसाल के तौर पर मजहब ईसाइयत पर होगा, यहूदियत पर होगा, या वो बुत परस्त होंगे, या ये वो लोग होंगे जिनका कोई अकीदा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नया पहलू दे दिया आपने, इसको बताया आपने, ये तो अब दोबारा से देखना पड़ेगा सारी आयतों को, जहां पे भी अन्नास आया है, और फिर उसको फिर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि किसकी बात हो रही है। आज के जमाने में हम कहते हैं ना कि ये एथियस्ट या एग्नोस्टिक हैं, भाई ये भी तो एक अकीदा है ना, ये भी एक अकीदा है कि आप किसी खुदा को नहीं मानते, ये भी एक अकीदा है। तो कोई भी बिलीफ सिस्टम किसी चीज के बारे में वो सोच रहा है, अब ये आयत इस तरह से आती जाएगी। आप पहली आयत देखिए कि वमिनन नास मैं यकूल आमन्ना, ये तो इसी तरह बिलीफ सिस्टम की बात शुरू। आगे चलते हैं, इसी की आयत नंबर 21 देखिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 21, या अय्युहन नास, ए वो लोगों जो प्रीवियस कोई अकीदा रखते हो। अब जब भी आप नास लफ्ज पढ़ेंगे ना, अपने जहन के अंदर एक ब्रैकेट में एक लफ्ज डाल लें कि कोई अकीदा रखने वाले लोग हैं, अब उनसे क्या कहा जा रहा है, अबुदू रब्बुकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ी मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सही बात है, देखो तुम्हें अपने रब की अब बंदगी इख्तियार करनी है, तुम्हारा कोई बिलीफ सिस्टम था उसको छोड़कर अब इस पर आओ। अब ये आबुदू क्या चीज है, ये हम मजीद किसी और दिन इसको खोल सकते हैं। उसने तुम्हें बनाया और तुमसे पहले भी लोगों को तख्लीक किया है, तो क्या करो, लअल्लकुम तत्तकून, तो उसके उसूलों पर चलो ताकि तुम बाकिरदार और मामून हो जाओ, डिसिप्लिन्ड हो जाओ। बिल्कुल, इसमें तो साफ जाहिर हो रहा है कि किसको एड्रेस किया जा रहा है, ये वो ही अन्नास, बिल्कुल साफ जाहिर, अकीदे वाले लोग, अकीदे तो तमाम अकीदे छोड़ो, तमाम अकीदे छोड़ो, इस अकीदे के आओ, बिल्कुल। अच्छा आगे चलें, इसी सूरह बकरा की 94, अब देखिए खुलता जाएगा नास, खुलता जाएगा जी। सरफराज मुझे ये कहने में डंके की चोट पे, बल्कि मैं ये बात कहूंगा कि ये किताब जिस तरीके से कैसे तरतीब दी गई है और लिखी गई है, अगर आप इसके पहले सफ़े से गौर से पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसे दरीचे खुलते चले जाते हैं, ऐसे दरीचे खुलते चले जाते हैं कि आपका जहन जो है वो अश अश करके रह जाता है कि कैसे ये लिखी गई। तो सही बात। अच्छा, कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरतु इंदल्लाहे खालिसतन मिन दूनिन नास फतमन्नुल मौता इन कुंतुम सादिकीन। उनसे कहो
कि तुम लोगों को अगर आखरत के बजाय आखरत में कोई खास ठिकाना तुम्हें ही मिले तो तुम वाकई इस बात में सच्चे हो तो फिर तुम पर मौत का खौफ क्यों तारी है? ये भी बिलीव की बात है। बिलीव की बात है। अगर तुम सच्चे हो, तुम समझते हो कि जो तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है और तुम्हें ही आखिरत के अंदर तमाम जो है नेमतें मिलेंगी, तो why are you fearing death? Right. चलो क्यों खौफ ज्यादा हो मौत से? तुम पर मौत का खौफ क्यों तारी हो रहा है? अब बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करने के लिए जब लफ्ज आ रहा है और बिलीफ रखने वाले से मुखातिब हुआ जा रहा है, नमाज। बहुत अच्छा समझ में आ गया अभी आया, माशाल्लाह सही बताया। अब सूरह निसा की आयत नंबर 1, कितनी खूबसूरत बात, 4:1, या अय्युहन नासु तकू रब्बकुम, ए किसी बिलीफ सिस्टम पर यकीन रखने वालों, अपने रब के उसूलों की पासदारी करो, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करो। ठीक है, ये पूरे कुरान में नास का लफ्ज मैं समझता हूं 154 या 184, मैं गलती में इसमें काउंटिंग में मिस्टेक कर सकता हूं, तकरीबन इतना ही इस्तेमाल हुआ है, 100-200 से कम है और लेकिन 150 से ज्यादा है। सरफराज ये लफ्ज नास चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कुरान का आखिरी लफ्ज क्या है? आखिरी सूरत का आखिरी लफ्ज क्या है? यही नास पे खत्म होता है। जन्नत। अब देखिए इस सूरत को मैं अगर लफ्जी लफ्जी तो नहीं लेकिन इसका मफहूम मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि एक तुम्हारा अकीदा है और एक शैतान का अकीदा है, वहां खन्नास कहा गया है। खन्नास मैं पहले बता चुका हूं कि खन्नास असल में वही एंटिटी है जिसे हम शैतान कहते हैं। ये खन्नास जो है ये तुम्हारे दिल में कुछ वसवसे डालेगा, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा। तो ये भी अंदर की चीज है जो ये करती है, ये वो। अब वो किन में से होंगे? मिनल जिन्नते वन्नास। अब लफ्ज जिन्ना क्या है, ये एक अलग, वन्नास ये कोई और बिलीफ सिस्टम वाला होगा। अपना बिलीफ आपके अंदर डालेगा ताकि आप अपना बिलीफ सिस्टम रिप्लेस कर दें। अच्छा सही। वो आप दूसरे, हाँ, दूसरे अकाइद वाले भटका सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फसफसे डाल के आपके बिलीफ सिस्टम को अपने बिलीफ सिस्टम से रिप्लेस कर देगा। अच्छा, हमने अब तक 3 अल्फाज खोल लिए, बशर, इंसान, इंसान की जमा उनास और नास। ठीक है, बशर ह्यूमन बींग्स, नास वो लोग जो मिलजुल कर रहते हैं उनको मौत आती है। नास में ये ह्यूमन बींग जो मिलजुल कर रहते हैं, अब ये कोई अकीदा रखते हैं। 3 अल्फाज खुल गए। अब चौथे अल्फाज पर आते हैं, इंस। जब इंस कहा जाए तो लोगों ने इसको इंसान समझ लिया। जी जी हाँ, आज तक समझते अभी ऐसे ही। मैं भी यही समझता था कुछ अरसा पहले, मैं भी यही समझता था जी। सबसे पहले तो ये आपको मैं बताऊं कि इसका मादा अनिसा नहीं है, जिससे के लफ्ज इंस बन रहा है, सॉरी, जिससे जिससे के लफ्ज इंसान बन रहा है या उनास बन रहा है या नास बन रहा है, इसका मादा अनसा नहीं है, इसका मादा है नसिया। नसिया कहते हैं भूलने को। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये लफ्ज जो है कुरान की
तीन आयतों में मुनवन होके आया है। मुनवन कहते हैं जिस पर तनवीन लग जाए, ठीक है। तीन दफा ये रफा तनवीन के साथ आया है, जिससे ये पता लगता है कि ये इसम नहीं है, क्योंकि तनवीन जो होती है वो इसम पर इस तरह नहीं लगती, बल्कि ये कोई एडजेक्टिव, कोई सिफ्त है जो बयान की जा रही है। अब मैं वो तीन आयतें भी बताऊंगा वो कौन सी आयतें हैं यहाँ पर ये मुनवन होकर आ रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसको जब भी बयान किया गया लफ्ज इंस को, तो उसके साथ एक जोड़ा आया और वो लफ्ज था जिन। टोटल जो है 11 बार ये जोड़े की शक्ल में आया, जिन्नो इंस। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पूरे के पूरे 11 बार ये जिन्नो इंस बनकर नहीं आए, 8 बार जिन्नो इंस है और 3 बार इंसो वो जिन है। अच्छा, और अल भी लगा हुआ है इसमें। हाँ, तीन बार पहले इंस है और फिर जिन है, और 8 बार जिन पहले इंस बाद में। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या अल्लाह ताला हमें मुतासिर कर रहे हैं अपने कलाम से कि मैं देखो कितनी अच्छी अरबी लिखता हूं? मकसद है नहीं, बहुत बड़ा मकसद इसमें छुपा हुआ है। मैंने आपने मुझे वो उसकी तरफ याद दिलाया था, तो मैंने अपने आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो मैंने कई चीजों को लिखा है कि कहीं बिही पहले आ रहा है, कहीं बिही बाद में आ रहा है, कहीं कुरान पहले आ रहा है और किताब बाद में आ रहा है, कहीं किताब पहले आ रही है कुरान बाद में आ रहा है। तो इस किस्म की तरतीब बदलने से मानवी फर्क हो जाता है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे जो तर्जुमे हैं ना वो बदलते ही नहीं, बदलते ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको सूरे जिन की एक आयत रखूंगा और हम उसको मुख्तलिफ लोगों के तर्जुमों से पढ़ेंगे। इन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसे यऊजूना बेरिजालिम मिनल जिन फजादूहुम रहाका। ये तो बड़ी ही मतलब आपने ऐसी आयत निकाल दी है, खैर हम डिस्कस करेंगे आगे जिन जिन के बारे में मेरे ख्याल में दूसरे प्रोग्राम में, लेकिन वाकई में जो तर्जुमे हुए हुए हैं मैं तो हैरत हुई है मुझे ये सारे तर्जुमे देख के। अब आप देखिए, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, सुनने वालों से मैं ये बात वाजे करता हुआ चलूँ कि मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भी इस किताब के साथ जो कुछ भी किया, तर्जुमे किए, मैं उनको सराहता हूँ, लेकिन क्या बात हम तक प्रॉपर पहुंच गई ये अहम है। तो मैं अब कुछ तर्जुमे रखूंगा, कुछ नामों से आपको तर्जुमे रखूंगा। मैं फिर कह रहा हूं मैं इन हजरात की कोई तजलील नहीं कर रहा, मैं इन हजरात के ऊपर कोई हदबंदी नहीं कर रहा हूं, कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं सिर्फ ये आप तक बावर कराना चाहता हूं कि आप तर्जुमा उनका पढ़ें, आप मुझे बताइएगा हिना बहन और सरफराज, आपको तर्जुमा समझ में आया? नहीं, तर्जुमे का अगर हम पढ़ेंगे, जितने भी तर्जुमे आपने देखे मैंने भी शायद देखे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी अकल रखते हैं आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते ये तर्जुमा। पीरियड, एटलीस्ट क्वेश्चन तो आएगा कि ये क्या है। क्वेश्चन तो इसलिए आ रहा है कि जितने भी तर्जुमे हुए हैं हमारी नजर में जो भी अकल रखता है जब वो तर्जुमे पढ़ेगा वो कोई सेंस ही नहीं रखते ना, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस व्हेन यू रीड द ट्रांसलेशन। मैं आपको एक अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये किसका है, लेकिन इसमें लिखा है अंग्रेजी में कि ह्यूमन बींग्स आर यूज्ड टू सीक पावर थ्रू जिन बींग्स बट दे ओनली अफ्लिक्टेड देम विद अ लॉट ऑफ adversity. How you going to seek power through the jinns?
अब आप देखिए, आपने जिंदगी में कभी देखा है? That doesn't make any sense at all. I mean, if you have a little bit sense, those translations cannot make any sense. Can you read those translations? Period. आपने अपनी जिंदगी में सरफराज, आपने कितने जिनों से जाके जो है वो पावर हासिल किया है? मुझे, मैंने खुद तो नहीं की, लोगों ने बड़ा मजबूर किया आप करें, आप उधर जाएं, आप उधर जाएं, वो ये कर दें, वो कर दें। अच्छा, ये जो पावरफुल कौमें हैं, जो नेशंस हैं, ये कौन से जिनों से जाके मदद हासिल कर रही है, ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है? ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया है। आप देखें वेस्ट में जो चीजें हो रही हैं, पता नहीं उन्होंने कौन से जिन अपने कब्जे में रखे हैं, हर चीज उन्हीं पे हो रही है। हमारे पास लगता है कोई साउथ एशिया में कोई जिन काम नहीं कर रहा, क्या हो रहा है? अब देखिए, मैं मौदूदी साहब का तर्जुमा रखता हूँ, बड़े बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए मौदूदी साहब। फरमाते हैं, और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिनों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे, और इस तरह उन्होंने जिनों का गुरूर और ज्यादा बढ़ा दिया था। आप मुझे एक वाकया बताएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में, या जमाने से पहले या जमाने के बाद, अभी हमारे मॉडर्न दौर में तो आए नहीं, किन इंसानों ने जिनों से पनाह मांगी है, रिफ्यूज, शेल्टर? हाँ, वो जिनों के नाम क्या थे, हमें भी पता करने, कौन थे वो, क्या नाम था? कोई एक वाक्य सुना दें, एक वाक्य सुना दें, कोई भी। वो अल्लाह से ही मांगिए ना, जो सबसे ज्यादा पावरफुल जिन्हें, जिन खास में आते हैं। अब हमारे वक्त के बहुत बड़े कुरान के मुदर्रिस डॉक्टर इसरार साहब, उनका तर्जुमा ये है, और ये कि इंसानों में कुछ मर्द जिन्नात, अब देखिए रिजाल का तर्जुमा कर दिया इन्होंने मर्द, मर्द मर्द जिन्नात में से कुछ मर्द, मर्दों की पनाह मांगते थे, उन्होंने इन जिन्नात की सरकशी में मजीद इजाफा कर दिया। मर्द जिन्नात, मर्द इंसान, मर्द जिन्नात, क्योंकि रिजालुम मिनल इंस और रिजालुम मिनल जिन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब, ये जो है औरत नहीं होती जिन, चलो मर्द। अब मर्द जाके मर्दों से पनाह मांग रहे हैं, तो औरतें क्या कर रही हैं? कुछ समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, एक और साहब हैं जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है, ये शौकत सलीम साहब हैं, बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया है, इनका तर्जुमा मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ही काबिल तहसीन है कुछ जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर इनकी भी जो है वो निगाह नहीं गई, और इनका तर्जुमा है ये है, और ये कि शहरी लोग में से कुछ लोग सरकश कबाइलों की पनाह लेकर झूठ का बाजार गर्म करते थे। अच्छा, अब शहरी लोग कबाइली लोगों के पास जाकर पनाह लेते हैं, ये पाकिस्तान में तो मैंने देखा है कि आप जाकर वो जो कबाइली एरिया है, ट्राइबल एरिया, वहां जाके पनाह ले लेते हैं। अमरीका में कौन सा ट्राइबल एरिया है सरफराज, आप मुझे बताएंगे जहाँ जाके मैं पनाह ले लूँ? नहीं, वो तो बेचारे डरे रहते हैं हमसे, जो ट्राइबल एरिया, जो नेटिव्स हैं यहाँ, वो तो बेचारे वो सप्रेस हैं, उनको तो उनसे पना मांगते हैं वो जो गवर्नमेंट में लोग हैं कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अल्लाह को ये शहरी लोग और ट्राइबल लोगों की अरबी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली, सिविलाइज्ड पीपल एंड ट्राइबल पीपल की अरबी नहीं मिली, तो उन्होंने लिख दिया अल्लाह ने रिजालुम मिनल इंस और रिजालुम मिनल जिन, इसको हमने बना दिया शहरी लोग और देहाती। आपने बड़ा अच्छा एक ये आयत लेके आए, और बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट रेज किया। हम यही चाहते हैं कि लोग खुद पढ़ें, खुद समझने की कोशिश करें, आप जब ये आयतें खुद देखेंगे आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, ये मामला क्या चल रहा है, ये तो सब बात सही नहीं लग रही। आगे पीछे आयतों को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, हमारा तो यही है, हमारा गोल है, सब आए एटलीस्ट सवाल तो उठेगा ना जहन में, कोई बात नहीं, लेकिन उसको फिर जस्तुजू करें और उसको तलाश करें। अब जैसे तो इसमें तो आपने कहा कि रिजाल को अगर हम मर्द कह देंगे तो फिर औरतें कहाँ गई? एक एक सवाल है इसमें, अल्लाह ऐसे तो नहीं कर सकता कि सिर्फ आदमियों की बात करे और औरतों की ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इंसानों में मर्द, जिन्नातों में मर्द, अब मर्द जाके जिन मर्द जिन्नात से पना ले रहे हैं। अच्छा, औरत जाके नहीं ले रही है,
doesn't make any sense. नहीं, ऐसी बात उनको जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में. In a lighter note. अच्छा क्या हुआ कि हमने लफ्ज रिजाल का तर्जुमा जो है मर्द कर दिया, इंसान का तर्जुमा जो है वो इंसान कर दिया, और जिन का तर्जुमा जो है ये हमारा एक कल्चरल जिन है जो हमें नजर नहीं आता है, जो वीरानों में रहता है, कब्रस्तानों में रहता है, ठीक है, और जो है जो बड़ा ताकतवर होता है, पैसे पकड़ के ले आता है, किसी पे चढ़ भी जाता है, औरतों पर चढ़ जाता है. और वाला जो जिन होता है ना सरफराज, वो अमूमन मर्द होता है. जी जी. कभी मैंने किसी औरत पर, किसी औरत जिन को चढ़ते हुए नहीं देखा. अच्छा ये डॉक्टर साहब ये कैसी बात कर ली हमने, ये बताएं ये जो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, उनमें है ये कॉन्सेप्ट जो है, आप जिन का जो कॉन्सेप्ट इन लोगों में है क्या, क्रिश्चियंस और ज्यूज में? फॉर एन एंटरटेनमेंट तो है, नहीं ये तो हमने सिर्फ कहानियां ही सुनी नहीं है. हाँ कहानियां सुनी, एंटरटेनमेंट के तौर पर हम मूवीज भी देख लेते हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम कोई नहीं है. अच्छा अब मैं कभी ये पूछता हूं आपसे सरफराज, कि कभी किसी मर्द के ऊपर आपने किसी औरत जिन को चढ़ते हुए देखा है, कि वो मर्द औरत की आवाज में आप बातें कर रहा हूं? मूवीज में देखा है, मेरे ख्याल में हमने देखी थी. अच्छा पाकिस्तान में तो ये सिनेरियोस होते रहते हैं. मैंने औरतों पर मर्द जिन चढ़ते हुए देखे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं डॉक्टर था, वो मेरे पास आते थे. लेकिन मैंने आज तक किसी मर्द के ऊपर औरत जिन चढ़ते हुए नहीं देखा. अब हमने अपने रिवायतों में, अपने कल्चर में एक ऐसी एंटिटी बना ली है कि जो जिन है, और कुछ लोग जो है उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, कुछ लोग उनको काबू में भी करते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं इस कारोबार में मुलव्वज़ हैं, मैं कारोबार कहूँगा इसको, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ना ही अल्लाह की किताब ऐसी किसी मखलूक की बात करती है. मैं आपको डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूं कि अल्लाह की किताब इस किस्म के अकीदों से खाली है. अच्छा ये तो बहुत बड़ा सवाल है लोगों के ज़हन. मैं इस पर एक पूरा आर्टिकल लिखूंगा, हो सकेगा तो मैं आपके चैनल पर आ नहीं ये मैं ये कहना चाह रहा था इंशाल्लाह काफी डिटेल मेरे ख्याल में आपने रिसर्च की भी, आप करेंगे भी आगे, हम इंशाल्लाह इसका पूरा एक प्रोग्राम करेंगे जिन के बारे में. आज हम इंशाल्लाह इंस के इंसान और इंस के जो है इसको फिनिश करेंगे, दोबारा फिर करेंगे इंशाल्लाह. लफ्ज रिजाल जो है ना उससे मर्दों के लिए नहीं आता. रिजाल में एक चीज छुपी हुई है कि ये बड़े साहिब हैसियत लोग होते हैं, बड़े ताकतवर लोग होते हैं, बड़े बाशऊर लोग होते हैं. अब रिजाल मर्द भी हो सकते हैं, रिजाल औरतें भी हो सकती हैं. इसका ऑपोजिट लफ्ज है निसा. आप बाशऊर का ऑपोजिट कर लें, ताकतवर का ऑपोजिट कर लें, साहिब हैसियत का ऑपोजिट कर लें, ये निसा हैं कुरान की अरबी में. और निसा में मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, जो मतलब कमजोर हैं, वीक हैं. अब आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि क्या ये वाकई इंसानों की वो जिन्स जिसे हम औरत कहते हैं उससे मुखातिब किया गया है, या कोई ये एक एलेगोरिकल लफ्ज निसा लाके बयान किया गया. अब आते हैं, थोड़ी सी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं इन अल्फाजों को. मुझे थोड़ा सा जिन के बारे में भी बता लेने दें, क्योंकि ये लफ्ज जिन्नो इंस और इंसो जिन आएगा. जी जी. जिन के मानी होते हैं किसी चीज को हाइड करना, छुपाना, किसी चीज को एनश्राउड करना, ढांप लेना. किसी ईविल या बुराई को भी जिन कहते हैं, किसी चीज को कंसील करने को भी जिन कहते हैं, हत्ता के प्रोटेक्ट करने को और शील्ड करने को भी जिन कहा जाता है. जिन जो है वो आंखों से पोशीदा चीज को भी कहा जाता है.
जन्नत इसीलिए चूंकि हमारी आंखों से पोशीदा है, मजनून वो है जिसकी अकल पोशीदा हो जाए या जिस जो पर्दे में छुप जाए, जनीन माँ के पेट में रहने वाला वो बच्चा है जो हमें आंखों से नजर नहीं आता है। ठीक, ये लफ्ज जब सिफ्त बन के आता है, मैंने आपसे कहा ये मुनव्वन होके आ रहा है कुरान में तीन आयतों में, ठीक है, जब ये सिफ्त बनकर आता है तो उसे कहते हैं टू मेक ब्लाइंड, किसी को अंधा कर देना, किसी की आंखों में धूल झोंकना, जिन जिन का मतलब जी, जब ये सिफ्त बनकर आ रहा है तो इसका मतलब होता है किसी की आंखों में धूल झोंकना, किसी चीज को छुपा देना यानी सीक्रेट रखना, किसी को धोखा देना डिसीव करना और हकीकत को छुपा देना। धोखा कैसे दिया जाता है सरप्राइज, आप उससे रियलिटी छुपा दें और अनरियलिटी को सामने ले आए, आप धोखा दे रहे हैं, आप कहें ये पार्ट जेन्युइन है, जेन्युइन है ही नहीं, गाड़ी का ये पार्ट जेन्युइन है, आप धोखा दे रहे हैं, उसकी हकीकत को छुपा दिया क्योंकि वो पीछे जो लिखा हुआ था मेड इन चाइना वो आपने काट दिया। अच्छा, लेकिन आपको हकीकत पता है या फिर छुपा दिया आपने? आपने छुपा दिया, तो यू आर अ जिन, यू आर अ जिन, ये सिफ्त जिन बन गई, ये छुपाने की जो सिफ्त है ये जिन बन जाती है। अच्छा, I mean then like you conceal something, you know, like conceal कर दिया अपने facts को। अब मैं इसको एक एक छोटे से सेंटेंस में कहता हूं, टू गो हीडलेसली, लापरवाही से, गफलत से, चीजों को छुपाते हुए आगे बढ़ते चले जाना, ये लफ्ज जिन है। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक, सो यू आर हाइडिंग समथिंग एंड देन यू जस्ट प्रोलॉन्ग, यू आर हाइडिंग द फैक्ट्स एंड देन यू जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, यू आर कंसीलिंग, यू आर डिसीविंग, यू आर हाइडिंग एंड देन यू आर प्रोसीडिंग। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग, ये लफ्ज इन है, लफ्ज इन्स। इसका मादा मैंने कहा नसिया, नसिया कहते हैं टू फॉरगेट, भूल जाने को, ऑब्लिविन, फरामोश करने को। अरबी में एक जुमला मैं कहता हूं, मा इंसा ला इंसा, व्हाटएवर आई फॉरगॉट आई शैल नॉट फॉरगेट, मा इंसा ला इंसा। ये अरबी फुसा में बोला जाता है। अब लफ्ज इंस आ गया यहां पर, तो यहां पर इंसान डाल देंगे, नहीं, देखिए अब वो तर्जुमे में क्या तर्जुमा करते हैं, वॉट एवर आई फॉरगॉट आई शैल नॉट फॉरगेट, ये तो वही वर्ड है, वही वर्ड है। जब इसको सिफ्ट बना देते हैं, जब लफ्ज इंस को हम एडजेक्टिव बना देते हैं, तो इसके माने होते हैं ऑब्लिवियस, फरामोश करने वाला, फॉरगेटफुलनेस, भूलने वाला, ओवरसाइट, नजरअंदाज करने वाला, ओवरलुक, इसकी और अल्फाज हैं, केयरलेस, डिसरिगार्ड करने वाला, निग्लेक्ट करने वाला, निग्लेक्ट करने वाला, गफलत बरतने वाला, इग्नोरेंट भी होगा, इग्नोरेंट, इन अटेंशन, परवाह ना करना, किसी की परवाह ना करना, इन अटेंशन, इन अटेंशन क्या होता है, आप अटेंशन ही नहीं है, आपकी आपकी तवज्जो ही नहीं है। तो ये जो है ना, आपने जो शुरू में आयतें बताई, इंस की जो बात कर रहे हैं आप, जितनी भी आयतें देखें आप, तो सारी फिट होती हैं जो आप बता रहे हैं अभी, इसी के वो इंस इंसान जो है एज लाइक अ वीक, अल्लाह ताला ने उसको बताया कि द वीक पर्सनैलिटी है ना, वीक, तो वीक पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें होंगी, जब आप वीक होंगे, शाबाश, कहां से आपने बात करी है, तो सारी आयतें फिट हो गई। अब देखिए, ये सूरह रहमान की एक आयत है, आयत नंबर 56 इन सुन कबलहुम वला जानुन। आप देखिए दोनों पे तनवीन लगी हुई है, मैं कह रहा हूं ना मुनवन होके आ रहा है ये अल्फाज। और दूसरी आयत है 74 लम यतमस हुन्ना इन सुन कबलहुम
वला जानुन, इसमें भी मुनवन है। अच्छा, अब देखिए जिन नो इंस, अब मैंने ये दो अल्फाज बोले, अब मैं इसके ट्रांसलेशन करूंगा। ओवरसाइट हीडलेस, गफलत से नजरअंदाज करने वाला। केयरलेस मेकिंग ब्लाइंड, धूल झोंक कर फरामोश करने या करवाने वाला। फॉरगेटफुल डिसीवर, भूलने वाला, धोखा देने में और धोखे में रखने वाला। ठीक है, ये दोनों सिफतें जो है इंसान की नेगेटिव कॉनोटेशन में, मनफी रुझानात में जाती हैं, और हमें अपनी दुनिया में ऐसे बेशुमार इंसान मिलते हैं जो चीजों को नजरअंदाज करते हैं, गफलत में होते हैं और फरामोश किए हुए होते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं। ये ऐसे लोग हमारे को, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एक दिन मौजूद होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त आपने बात की है। इसी के जो कुरान की कुछ आयतों से भी ये भी लगता है, जिन इंस, जिन और इंस जो है वो अकाउंटेबल हैं। तो जिन इन इंस जो है बेसिकली दे आर द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दे आर अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन। पीपल हु फॉरगॉट थिंग्स, पीपल हु आर इग्नोरेंट, पीपल हाइडिंग स्टफ, दिस इज ऑल द ह्यूमन क्वालिटी। अच्छा, अब सरफराज उन आयतों पर आते हैं जिसमें जिन पहले और इंस बाद में आया। अगर इसको मैं ये कहूं कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो मेरा अपना फहम ये है कि जब कभी भी जिन पहले और इंस बाद में आएगा तो ये इंसान की मफूली हालत है। ये ऐसी सिफत है जिसमें वो खुद मुब्तिला होता है। इसको मैं कहूंगा नजरअंदाजी की वजह से गफलत में रहने वाला। हाँ, और अगर इंस पहले आ जाए और जिन बाद में आए तो ये फाइली हालत है, नजरअंदाजी की वजह से गाफिल करने वाला। नजरअंदाजी की वजह से गफलत में रहने वाला, नजरअंदाजी की वजह से गाफिल करने वाला। अच्छा, अब ये कैसे है मैं आपको आयतों से खोल के दिखाऊंगा। सूरह अनाम की आयत नंबर है 112, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन उदुवश्शैताना। अब देखिए इंस पहले और जिन बाद में, शैतानल इंस वल जिन्ने युहा बादहुम इला बाद। इंस पहले जिन बाद में, तर्जुमा इसका यह करते हैं कि अल्लाह ताला ने दुश्मन बना दिए नबी के, यानी कज़ालिका इस तरह करते हैं, और इसी तरह हमने नबी के दुश्मन बना दिए इंसानों और जिनों में। ये डॉक्टर इसरार साहब का तर्जुमा है। अल्लाह कह रहे हैं कि हमने हर नबी के दुश्मन बना दिए इंसानों और जिनों में। सबसे पहले तो ये अल्लाह पर तोहमत है कि अल्लाह नबी भी बना रहा है और उसके दुश्मन भी बना रहा है। सही बात, ये अल्लाह पर तोहमत है। हाँ, मतलब अंग्रेजी में जो तर्जुमा किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है वी हैव परमिटेड, परमिटेड वी हैव परमिटेड, वी हैव मतलब अलाउ किया है। अब एनिमीज ऑफ एवरी प्रॉफिट। अब देखिए ये बेईमानी है, जालना का तर्जुमा हर जगह ये बनाना करते हैं, वी हैव मेड, लेकिन यहां आके एकदम डंडी मार गए क्योंकि अब पता चला अल्लाह पे तोहमत आ रही है तो परमिटेड कर दिया। जालना लफ्ज जो है वो मेड है। नहीं नहीं, अल्लाह कैसे परमिट करेगा उनको कि जाके गड़बड़ करो तुम। ये भी गलत है, अल्लाह ने परमिशन दी हुई है। हां, अल्लाह कैसे परमिशन दे दी ह्यूमंस और जिन को, जाके तुम उनको जाके बेड़ा गर्क करो, ये कैसी बात है। अब देखें कि अल्लाह ने नबी बनाए, नबी के दुश्मन भी खुद पैदा किए। अब मैं आपसे पूछता हूं सरफराज, हमारे जो नबी थे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके इंसानों में से दुश्मनों की मैं लिस्ट बताता हूं आपको।
अबू जहल था, उतबा बिन रबी था, ठीक है, अबू लहब था, और शेबा था, और वो अब्दुल्ला बिन उबई था, और बेशुमार। आप मुझे एक नाम बता दें जिनों में से रसूलुल्लाह का दुश्मन कौन था। नहीं, मुझे तो एक एक जिन का नाम नहीं पता, बताइए। ये भी अच्छा सवाल है। तारीख में सारे इंसान दुश्मन तो नजर आ रहे हैं आपको, जी जी, जिन दुश्मन का नाम ही नहीं है, और अल्लाह कह रहे हैं कि हमने इंसानों और जिनों में से दोनों में से दुश्मन बनाए। बात कैसे गलत हो गई ना, अपने आप गलत। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर अपने आप को सोचना शुरू करें तो बात गलत हो गई। अब मैं आपको बताऊं इसका असल तर्जुमा क्या है। जी, और वो लफ्ज, हाँ, वो लफ्ज इंस पहले और जिन बाद में खुल के आएगा आपके सामने। हमने इसी तरह का एक उसूल बनाया है कि हर बुलंद मर्तबत शख्सियत से कुछ लोग अदावत रखते हैं, जो शरंगेज शैतान, तर्जुमा शरंगेज, नजर अंदाज करके गाफिल करने वाले होते हैं। फाइली हालत में करने वाले, नजर अंदाज करके गाफिल करने वाले होते हैं। वो दिलों में वो वसवसे डालते हैं जो खुशनुमा होते हैं मगर गलत बातें होती हैं। अब ये आयत चल रही है आगे। एक और आयत देखें जिसमें इंस पहले आएगा, जिन बाद में आएगा। सूरह इसरा आयत नंबर 1788। कह दीजिए, मैं रिवायती तर्जुमा पढ़ रहा हूं, कि अगर इंसान और जिन इस जैसा कोई कुरान का मजमुआ तैयार करने के लिए इकट्ठे हो भी जाएं, बावजूद यह कि वो एक दूसरे की कितनी ही पुष्ट पनाही हासिल कर लें, वो उसकी मिसाल हरगिज नहीं पेश कर सकते। अब देखिए, इंसान तो कोशिश करेगा कुरान के तर्जुमे बनाने की। आप मुझे बताएं जिन कहां बैठ के कुरान लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं, कौन से जिन का देखा कि उसने कुरान का जो है मिसल बनाने की कोशिश की है। Doesn't make any sense। अब देखिए, इंस पहले और जिन बाद में, मेरे तर्जुमे को नोट कीजिएगा, आपको फाइली हालत में कोई काम करने वाला नजर आएगा। दो टोक ऐलान कर दें, अगर नजर अंदाज करके गाफिल करने वाले सब इकट्ठे भी हो जाएं तो इस जैसा मजमुआ पेश नहीं कर सकते। जबरदस्त डॉक्टर साहब, एक्सीलेंट, I think fits here. Very nice. आपने बहुत अच्छा। ये तो रूट वर्ड पे भी फिट हो रहा है ना। देखिए, बात जो है ना, वो जिन की मीनिंग और इन वो भी फिट हो रहा है। मतलब वो सारे फिट हो रहा है ना, मेक सेंस करता है। When you, let's say I'm not, you know, I'm from a different religion, right? Somebody asked me, this is in Arabic, can you tell me what does it mean? Then what the doctors are saying, jo keh rahe hain, bata rahe hain, it makes total sense. Ye main hi hu, ye main hi hu, jo kabhi ghafil bhi hu, aur kabhi jo hai wo main laparwahi bhi kar raha hu. Meri ek quality hai ins, aur meri ek quality hai jin. Shukar hai shaitan nahi aata aapko. Main se bula deta hu. नहीं, ये बड़ी अच्छी एक क्वालिटी है कि आप सही, माशाल्लाह। अब वो आयतों पर आते हैं ना, जिसमें जिन पहले है और इंस बाद में। अब मैंने कहा ये मफूली हालत में है, इस पर काम हो रहा होगा। इंस अगर पहले आता है तो वो काम करता है, जिन अगर पहले आता है तो उस पर काम हो रहा होता है। ये मेरा फैन है, ये मेरा फैन है, मैं इस तरह समझता हूं। सूरह आराफ 7 की 179,
ये बड़ी अच्छी आयत है। वलकद जराना लजहन्नम लकसीरन मिन अलजिन्न वल इंस। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो सारी चीजें जो आप एक एक करके फिट हो रही है, और जिनों के भी रिवायती तर्जुमा कहेंगे तो अल्लाह ये कहते हैं कि हमने जहन्नुम बनाई है जिसमें हम ज्यादातर जिनों को और इंस को डाल देंगे। अच्छा, इंसान को तो डालेंगे जहन्नुम में, वो तो आग में जलेंगे। अब जहन्नुम में अगर जिन को डालेंगे जो आग से बना हुआ है, तो उसे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी वकवा बात देखे ना कि दोनों को दिया है आईज और आंख। अभी अल्लाह फरमा रहे हैं लहुम कुलूबुन ला यफकुहुना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरुना बिहा व लहुम आज़ुनुन ला यस्मऊना बिहा। आप मुझे बताइए जिनों के कान होते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, इसमें तो सारी चीजें ह्यूमंस की चीजें आ गई ना जिनों में। या तो आप प्रूफ कर रहे नहीं, ये आए तो प्रूफ कर रही है, या तो आप ये कहें कि भाई वो डिफरेंट, आप कहते हैं ना जैसे जो मेजोरिटी है, हाँ वो इस तरह के हैं, वो डिफरेंट है, ये है वो। अगर वो डिफरेंट है इस आयत से, तो प्रूफ हो रहा है कि वो डिफरेंट नहीं है। नहीं, इस आयत से तो साफ प्रूफ हो रहा है। अब मैं इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में पूरी आयत तो नहीं, लेकिन पार्ट जिसमें आप बात समझिए। एंड मोस्ट सर्टेनली वी हैव प्रीडेस्टिन्ड फॉर हेल मेजोरिटी ऑफ दोज हु वर oversighted, heedless. अच्छा, उर्दू में देखिए, ये हमारी जानिब से तयशुदा है कि कसीर तादाद में जहन्नुम में डाले जाएंगे जो नजर अंदाज करके गफलत में पड़े हैं। इसमें फाइल कौन? इसमें मफूली हालत है, पड़े हैं जो खुद इस हालत में है। नजर अंदाज करके गफलत में पड़े हैं। अच्छा, एक आयत और देखें, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर है 29, 41 की 29। मैं आपको इसका तर्जुमा जो है फतेह मोहम्मद साहब का सुनाऊंगा। वकाल लजीना कफरू रब्बना अरेन लजीना अदल लाना मिनल जिन्न वल इनसे नज अलहोमा तहता अखदामना ले यकूनन्ना मिनस मिनल साफिलू मिनल असफिलीन। मुझे थोड़ा कम नजर आ रहा है, चले मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ, ये भी बड़ा छोटा लिखा है। और काफिर कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, जिनों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था उनके उनको हमें दिखा दे, हम उनको अपने पांव तले रोन डालेंगे ताकि वो नहायत जलील हों। सरफराज, मुझे इंसानों ने तो गुमराह किया है। हाँ, ये जिन कौन से गुमराह किया? कभी किसी जिन ने आपको गुमराह किया है? हाँ, जिन तो आके चढ़ चढ़ बैठते हैं, वो तो गुमराह तो नहीं। ये क्वालिटीज है इंसान की। एग्जैक्टली की बात हो रही है, सारी क्वालिटीज इंसानों की है। जो डॉक्टर साहब ने बताया है बहुत अच्छा कि जो इंस है वो जो लोग जो भूल जाते हैं चीजें, केयरलेस हैं ये लोग हैं, और जिन जो हैं वो सिंपली दे आर लाइक छुपाते हैं चीजें, कंसील करते हैं चीजें। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो कुफर करने वाले लोग हैं ये कहेंगे परवरदिगार से कि हमें वो लोग बता जिन्होंने हमें नजरअंदाज करके गफलत में डाल रखा था ताकि हम उनको अपने पांव तले रोन डालें। अब वो इंसानों में से ही थे ये। exactly. इंस, जिन और इंस दो क्वालिटीज बन के आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब आखिरी आयत, वो जो आप कह रहे थे ना सूरह रहमान की, वो जो आयत, वो भी बड़ी ही जिसको कहना चाहिए गलत ट्रांसलेट करके उसको इस तरह का मंजर पेश किया गया है के बात समझ में नहीं आती है। सूरह रहमान की आयत नंबर है या माशर अल जिन्न वाली 33। या माशर अल जिन्न वल इनसे इन इस्तता तुम अन तनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू
ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। फतेह मोहम्मद साहब का तर्जुमा है, ए गिरोह है जिन्स व जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तुम निकल नहीं सकते। क्या क्या बना, क्या क्या समझ में आया, जोर के सिवा निकल नहीं सकते, कुछ समझ में नहीं आता इनके तर्जुमों में। जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ, एक और तर्जुमा देख लें, ये है शौकत सलीम साहब का तर्जुमा है, जो बड़ा अच्छा तर्जुमा करते हैं। ए कबील जिन्स जिन्नो इंस, अगर तुम में सलाहियत है कि आसमानों और जमीन के कुतर से पार जा सकते हो तो पार हो जाओ, मगर इख्तियार के बगैर तुम पार नहीं जा सकते। अब ये क्या अपोलो अपोलो मिशन की बात हो रही है, यही लग रहा है दूसरे प्लेनेट में जाने की। बस जाहिरे नहीं जा सकते यार, स्पेस सूट के बगैर जा ही नहीं सकते। ये क्या किस किस चीज की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला इसमें, इसमें क्या बता रहे हैं इनको कि जमीन से बाहर निकल जाओ और तुम जा भी नहीं सकते हो। कौन सा साइंटिफिक हमें यहाँ पर चीज बताई जा रही है, या हमारी जिंदगी से कौन सी चीज को रिलेट करके बताया जा रहा है, कुछ समझ नहीं। अगर तर्जुमों को बार बार सामने रख के अगर पढ़ते रहो ना, अगर जिसको अरबी नहीं आती वो तो कभी पहुंच ही नहीं सकता। आप अगर जैसे माशाल्लाह समझते हैं, आप सोच लेते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, वरना हम जो साथ साथ अगर ट्रांसलेशन रखे तो इम्पॉसिबल है कि उसको समझ सके। उसी में जहन जाता है ना, तर्जुमों को पढ़ते रहते हैं तो। लेकिन अरबी समझना बहुत जरूरी है। वो मेरी वाइफ जो है वो पढ़ने जाती थी किसी के पास, कुरान तर्जुमा पढ़ाती थी, तो जब तर्जुमा ऐसा होता था और स्टूडेंट सवाल करते तो कहती थी आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ। क्या आपने क्या किया इसका डॉक्टर साहब, इसका क्या आप वो है? अब देखिए मैं इसको मैं तो एक एक लफ्ज को अगर कोई कहे तो इनको खोल के दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या तर्जुमा किया है इंग्लिश में और फिर उर्दू में। ओ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप, माशर का तर्जुमा स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ ओवरसाइट हीडलेस। इफ यू हैव एन एबिलिटी टू एनफोर्स इन क्वार्टर्स ऑफ स्काइज एंड प्लेनेट अर्थ देन एग्जीक्यूट इट। नेवर कैन यू अनलेस यू हैव क्रूल एंड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी। अब इंग्लिश में उर्दू में ए वो छोटा सा ग्रोह जो नजर अंदाज करके गफलत में पड़ा है, अगर तुम में सलाहियत है इजरा करने की आसमान और जमीन के कुर्रे में तो नाफिस करो। तुम कुछ नाफिस करना चाहते हो करो, तुम कभी नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास इख्तियारात का जालिमाना और मनमानी तरीके कार ना हो। ये बात समझ में आ रही है। इल्ला बे सुल्तान, तुम हमारे उसूलों को रिप्लेस करना चाहते हो करो, यू कैन डू इट। अगर तुम जालिम हो जाबिर हो यू कैन डू इट, जबर से और जुल्म से ही या ऐसे नाफिज होंगे, कर सकते हो तो करो। एक्सेप्ट यानी सिवाय अगर तुम जाली हो, सिवाय अल्लाह के उसूलों को रिप्लेस करना चाहते हो तो तुम्हें जुल्म का सहारा लेना पड़ेगा, तुम्हें जबर का सहारा लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू डू ऑल दीज थिंग्स। और ये इजरा करने की बात हो रही है किसी चीज को, नाफिस करने की बात हो रही है, अंतन फुदू नाफिस करने की बात हो रही है किसी चीज की। तुम किसी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हो करो, करके दिखाओ। अच्छा अगर कोई अच्छी चीज नाफिस करे जब भी तो पावर में ही आना पड़ता है। ये अल्लाह का चैलेंज है ना फिरौन के लिए, क्या था उसने नाफिस किया हुआ था, तुम करो हम उसका पैदा करेंगे ना। लेकिन इसमें एड्रेस जो है ये
अलजिन्ने वल इनसे, तो इससे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव उन लोगों से मुखातिब, नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं, हाँ उनसे मुखातिब हो, उनसे मुखातिब होके कहा जा रहा है तुम ये करना चाहते हो करो। जैसे वो बात कर रहे थे आप शुरू में, जिन जो है वो क्या कहना चाहिए, इंस के साथ आया है बहुत दफा, लेकिन मोमिन के साथ नहीं आया। नहीं, ये शैतान का लफ्ज है ना, शैतान का लफ्ज इंसान के साथ आया, मोमिन के साथ नहीं आया। अच्छा, अब वो जो एक आयत हमने जो जो छोड़ दी थी सूरह जिन की, आयत नंबर 6, इन्नहु काना रिजालुम मिनल इंस, कि ये जो मर्द थे, जो इंसानों में से मर्द थे, वो जिनों में से मर्दों के साथ जो थे बड़े पना मना मांगते थे उनसे, इस तरह का तर्जुमा था। जी जी, 72:6। अब यहाँ लफ्ज टूट के आ रहा है, रिजालुम मिनल इंस और रिजालुम मिनल जिन, राइट, इंस और जिन एक साथ नहीं आ रहा है, जिन और इंस एक साथ नहीं आ रहा है। अब एक और खसूसियत उनकी लग गई, रिजालुम मिनल इंस और रिजालुम मिनल जिन। मैं इसका भी तर्जुमा कर देता हूं जी, इंग्लिश और नैन उर्दू, अथॉरिटेटिव पीपल हायर इन एरर ऑफ ओवर लुकिंग, ये रिजाल है जी, रिजालुम मिनल इंस, हायर इन एरर ऑफ ओवर लुकिंग, रिलाइड अपॉन अथॉरिटेटिव पीपल हु वर हीडलेस, hence they on they the people in error went beyond in their tyrannical conducts। उर्दू में तो वो बाइख्तियार लोग जो नजरअंदाज करने की गलती पर थे, वो इन्हिसार करते थे उन बाइख्तियार लोगों पर जो गफलत में पड़े थे। बस वो बढ़े जा रहे थे, कौन द फर्स्ट ग्रुप जो था जो नजरअंदाज करने वाले थे अपने जालिमाना तर्ज अमल में। इंसानों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नजरअंदाज कर रहे हैं बातों को, कुछ ऐसे हैं बेचारे जो गफलत में हैं। अब ये जो नजरअंदाज करने वाले जो पावरफुल लोग हैं, ये उन पावरफुल लोगों को जो कि गफलत में हैं उन पर हावी हैं और उनसे अपनी मनमानी बातें करवा रहे हैं, क्योंकि वो गफलत में और ये नजरअंदाज कर रहे हैं, इन्हें पता है हर चीज का लेकिन नजरअंदाज कर रहे हैं। ये तो पूरी आयत एक फिट हो रही है पूरे मुल्क के लिए, किसी मुल्क के लिए देख लीजिए, अल्लाह की बातें ऐसी ही हैं सरफराज, बिल्कुल ऐन अकल के मुताबिक हैं। सही बात है। और वो नजरअंदाज करने वाले जो लोग हैं वो अपने जालिमाना तर्ज अमल में बढ़े चले जा रहे हैं। रहाका कहते हैं ऑगमेंट, किसी चीज को ऑगमेंट करते चले जाना। नजरअंदाज तो जब भी करेगा इंसान जिसको पता है और फिर वो जानबूझ के नजरअंदाज, एग्जैक्टली वो नजरअंदाज करेगा और गफलत में उस बेचारे को पता ही नहीं है, तो जानते समझते हुए भी अगर कोई नजरअंदाज, उसकी तो बहुत जैसे सजा होनी चाहिए। लोगों को उनको पता चलेगा कि वो सही नहीं थी, उनको थोड़ा गौर और फिक्र करना पड़ेगा इस पे, जिस तरह आपने रिसर्च की है मेरे ख्याल में। एक बात तो ये आपसे भी सुना है और ये तो जैसे अल्लाह का ये जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अल्लाह ने, वो सारे कोई भी सिनोनिम तो है नहीं, ये तो बात प्रूफ है कि कोई वजह है जो अल्लाह ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जैसे आपने उस वो जैसे इंसान रख के देखेंगे अगर इंस की जगह, तो वो नहीं, अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, तो इसका कोई रीजन है जो ये मुख्तलिफ अल्फाज यूज किए हैं अल्लाह ने, तो इंसान इंस और ये, तो इसलिए कि इस पे हमें गौर करना चाहिए जब भी पता चलेगा। मैं तो इस बात पर मतलब इस किताब की ब्यूटी के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर अश अश करके रह जाता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही मानी के दो अल्फाज नहीं है। नहीं, आपको लगता है इन दोनों के एक जैसे मानी हैं,
ऐसा नहीं है, गौर से देखोगे पद मिलेगा। और जो ये हुआ हुआ है कि सबको एक जैसा कर दिया, तो ये बहुत बड़ी कहना चाहिए, इसी की वजह से हम समझ नहीं पा रहे ट्रांजिशन में सबके मीनिंग एक जैसे कर दिए, तो ये बहुत बड़ी रुकावट है हमारे समझने में। अगर ये है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली यू नो पीपल विल अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है, हमने सबने अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, आप सही कह रहे हैं सरफराज। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो कुरान के जो तर्जुमे हुए हैं वो बड़े सतही हुए हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हुए हुए, बड़े सतही, बड़े लेवल वन ट्रांसलेशन करके उनको जो है। जो आपने तो इतना प्रैक्टिस की है डॉक्टर साहब, हमारा जो एक्सपीरियंस है मेरा और हिना का, आई थिंक हमने भी देखा है लोगों में जहाँ उठे बैठे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं जो अभी हमने प्रोग्राम किया आज, कि लोग ही एक्चुअली होते हैं जो गफलत में होते हैं, लोग ही होते हैं जो केयरलेस होते हैं। तो जब हमने उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश की और वो सही ट्रैक पे, तो वो उन्होंने प्रोग्रेस किया, आगे चले, उन्होंने अच्छा हाँ ठीक है मैं गलत था ये वो। लेकिन लोगों को मसला ये है कि वो बड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है उनको कि हाँ ये मेरी ही गलती है, कोई और नहीं है मेरी। उनको अगर ये चीज़ पता चले भाई जो तुम कर रहे हो तुम्हारा ही मसला है, तुम्हारा तुम ऐसा करो तो इसलिए चीजें ऐसी हो रही, अगर तुम अपने आप को सही करोगे तो सही हो जाएगी, सिंपल सी बात है। सही कह, तो ये चीज तो बिल्कुल ही, यानी आपने जो आज अपनी प्रेजेंटेशन दी है आपने बहुत फिट हो रही है सारी चीजें। और इससे इसी टॉपिक से कोई रिलेटेड सवाल है ना आपके जहन में तो पूछे? मेरे तो मेरे तो बस वो ही आ रहा था कि जैसे अल जिन वाव आया हुआ है बीच में, तो वो कहते हैं ना कि जैसे तो उसका क्या है ये जहाँ आपने बताया कि अगर फाइल है और मफूल है तो फिर उसमें फिर वाओ फिट होता है, उसमें भी इसी तरह फिट आएगा। अच्छा। सिर्फ फर्क ये होगा कि जब इंस पहले लगेगा तो वो कोई ऐसा गलत काम कर रहे होंगे, और जब जिन पहले लगेगा तो वो गलत काम उन पर हो रहा होगा। अच्छा। आयतों के पसे मंजर में इस तरह महसूस होता है कि उन पर ये काम हो रहा है, जब ही अल्लाह ताला जिन को पहले लाते हैं और इंस बाद में लाते हैं, और कई आयतों में इंस को पहले लाके जिन बाद में लाते हैं, तो वो फाइली हालत पे वो कोई नजरअंदाज करके करने वाले लोग होते हैं, ये नजरअंदाज करने वाले लोग होते हैं, करने वाले। अच्छा अच्छा सही से, इसलिए उनको इम्पोर्टेंस के लिए पहले लाए। हाँ, ये कह सकते पहले लाया गया है, तो जैसे आपको सबाक में भी देखे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा। मैं गौर करूंगी इस पे, तहकीक है ये, मेरी अपनी तहकीक है, इस पर मैंने बहुत सोचा। नहीं आपने जो किया है वो तो उसमें मुझे, यानी मैं कहूंगी अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इस तरह से नहीं समझ में आ सका, जितनी भी आए थी अक्सर मैंने ये पढ़ी है तो उसमें सवाल ही रहा मुझे कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रही। लेकिन आपने जो बताया है तो इसमें अब मैं दूसरी जो जहाँ पे भी अन्नास आया है उसको इस हिसाब से देखूंगी। थैंक यू सो मच। आखिर में अगेन इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स, मैं अपने सुनने वालों से ये कहूंगा कि ये जितना कुछ भी है ये सब मेरी अपनी जाती सोच है, जाती काविश है, इसमें मैं कितना सही हूँ ये आप लोग फैसला करेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी निशानदेही करें, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी खुद उस स्टेज पर हूँ जहाँ चीज़ों को देख रहा हूँ। अगर आप महसूस करते हैं कि इसमें कोई गलती है, मेरी गलती की निशानदेही करें, मुझे कोई शर्म नहीं होगी इस बात पर कि मैं कहूँ कि जी हाँ मैं यह गलत था। और अगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं तब भी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी बात को मज़ीद निखार और इसमें बेहतरी लाएं, सामने आएं और बेहतर लिखें, मुझसे बेहतर लिखें, मुझसे बेहतर बात करें, मैं उस सूरत में भी आपकी बात को सराहूंगा और हमारे दूसरे लोग भी सराहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जाती काविश है, ये मेरी सोच है, मैं इस तरह सोचता हूँ, और मैं अल्लाह की किताब में कोई ऐसा जुमला नहीं पाता हूँ अपने हद तक कि जो इलॉजिकल, मुझे उसका बिल्कुल एक लॉजिकल सेंटेंस मिलता है।
जो आज की 2022 की दुनिया में जिसे मैं नाफिज होता हुआ पाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ और जब मैं पढ़ता हूँ या जब मैं तर्जुमा करता हूँ, तो वो तो बात बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे आज से, जैसे अभी अभी किसी ने ये बात कही है, हमारे माशरे की पिक्चर होती है। और मैं अल्लाह की किताब को बिल्कुल इसी तरीके से देखता हूँ। बिल्कुल, ये तो हर जमाने की किताब है। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा मैसेज। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया आपके टाइम का। और नाजरीन देखिएगा हमारे प्रोग्राम, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम में आए और दूसरी अपनी रिसर्च पेश करें। अगेन आखिर में अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और कुरान पढ़ा करें, समझा करें। हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।